नमस्कार, कंपटीशन कमेटी के कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स प्रोग्राम में मैं पुखराज गिरी करता हूं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। और मार्च के पहले 15 डेज का करंट अफेयर्स लेके फर्स्ट से लेके 15 मार्च 2023 का करंट अफेयर्स लेकर मैं आप सभी के सामने आ चुका हूं। तो 1 से लेके 15 मार्च के बीच के जितने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उन सभी का अपन इस वीडियो में प्री और मेंस दोनों के ही पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कर लेने वाले हैं, एनालिसिस कर लेने वाले हैं। लेकिन खाली स्लाइड है तो हम क्या करेंगे, तो एक साहित्यकार देखेंगे। अब साहित्यकार जी कौन है, तो है विनोद कुमार शुक्ल। अब विनोद कुमार शुक्ल जी असल में प्रमुख रूप से उपन्यासकार हैं और इनके फेमस उपन्यास कौन कौन हैं? तो सबसे पहले एक है नौकर की कमीज, नौकर की कमीज, ठीक है। अगला है खिलेगा तो देखेंगे। तो पहला नौकर की कमीज, दूसरा खिलेगा तो देखेंगे, तीसरा दीवार पर एक खिड़की रहती थी। तीसरा क्या है, दीवार पर एक खिड़की रहती थी। और उसके बाद हम आ जाते हैं चौथे पर, तो चौथे पर क्या है, तो हरी छप्पर वाली झोपड़ी और बौना पहाड़। क्लियर है? तो मैंने आपको क्या क्या बताया, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि विनोद कुमार शुक्ल जी आज के साहित्यकार असल में क्या हैं, तो नोवेल लिखते हैं, नोवेलिस्ट, उपन्यासकार। अब इनकी रचनाएं कौन कौन सी, तो पहली है भाई नौकर की कमीज। नौकर की कमीज के बाद अगला क्या है, खिलेगा तो देखेंगे। तीसरी दीवार पर एक खिड़की रहती थी। और चौथा क्या है, हरी छप्पर वाली झोपड़ी और बौना पहाड़। अब इसको याद कैसे रख सकते हैं, तो यहां से आप नौकर की कमीज उठा लें एक वर्ड, अगला खिड़की और उसके बाद हरी। तो नौकर जो है उसकी हरी कमीज, खिड़की पर क्या हो रही है, सूख रही है, ऐसा याद रखा जा सकता है। तो नौकर कमीज से क्या याद रख सकते हैं, नौकर की कमीज। हरी से क्या याद रख सकते हैं, तो हरी छप्पर वाली झोपड़ी और बौना पहाड़। क्लियर है कि नहीं? खिड़की से क्या याद रख सकते हैं, दीवार पर एक खिड़की रहती थी। तो तीन तो याद हो जाएगा, और उसके बाद अलग से एक याद रख लेंगे क्या, खिलेगा तो देखेंगे। क्लियर है? तो नौकर की हरी कमीज, खिड़की सूख रही है, इस प्रकार से याद रखा जा सकता है। चलिए तो अब क्या कर लेते हैं, तो लास्ट वीडियो में जो मैंने क्वेश्चंस दिए थे ना, उन क्वेश्चंस को पहले एक बार देख लें। पहला क्वेश्चन क्या था, छत्तीसगढ़ मिलेट कार्निवल ये जो था इसका आयोजन कहाँ किया गया था। सही आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर ए, रायपुर। अगला क्या है, लाइव्स रियल हीरोज ऑफ इंडिया अवार्ड 2023 से किसको सम्मानित किया गया, तो इसका सही आंसर क्या था, सी श्री रुद्र प्रताप सिंह राणा। अगला, अंतरराष्ट्रीय कबीर पंथ संत महासम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ, सही आंसर क्या है, एक खरसिया रायगढ़। इसको देखे ही थे, मेरे हिसाब से आप लोग को ध्यान में होना चाहिए। अगला क्या है, छत्तीसगढ़ राज्य नवाचार आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं, तो श्री विवेक ढांड जी, बता दिया हूं आप लोगों को, डन। चलिए तो आ जाते हैं 1 से 15 मार्च के बीच के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स थे उस पे। तो सबसे पहले 2 मार्च 2023 के दिन क्या किया गया, तो पेन अमेरिका के द्वारा न्यूयॉर्क में एक समारोह जो है आयोजित किया गया, और उसमें छत्तीसगढ़ के जो फेमस साहित्यकार हैं
विनोद कुमार शुक्ल जी, जिनकी रचना अभी अपन ने देखी, विनोद कुमार शुक्ल जी, उन्हीं को क्या किया गया है, 2023 का पेन नाबोकोव अवार्ड जो है वो दिया गया। समझ में आया कि नहीं आया? कौन सा अवार्ड दिया गया? पेन नाबोकोव अवार्ड। ठीक है, कहां मिला? न्यूयॉर्क में। किसने दिया है? तो पेन अमेरिका, पेन अमेरिका के द्वारा न्यूयॉर्क में इनको दिया गया है पेन नाबोकोव अवार्ड। ठीक है भाई, क्यों दिया गया, रीजन या कारण क्या था? तो कारण था अंतरराष्ट्रीय साहित्य में उपलब्धि के लिए। तो अंतरराष्ट्रीय जो साहित्य है, इंटरनेशनल कह लो, लिटरेचर जो है, उसमें उपलब्धि के लिए 2023 का पेन नाबोकोव अवार्ड दिया गया है। किनको? तो विनोद कुमार शुक्ल जी को। अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो पेन नाबोकोव अवार्ड है ना, इसको पेन अमेरिका देती है, जो मैं बता चुका हूं, और ये दिया जाता है द्विवार्षिक रूप से, बाईएनियली, हर दो साल में एक बार। समझ में आया कि नहीं आया? और प्रमुख रूप से किनको दिया जाता है? तो उपन्यासकारों को। तो जब ये वीडियो शुरू हो रहा था और मैंने आपको विनोद कुमार शुक्ल जी के बारे में बताया था, तो मैंने क्या बताया था, प्रमुख रूप से ये उपन्यासकार हैं और इनके उपन्यासों को अपन ने देखा था, नॉवलिस्ट है, उनके नॉवेल्स को अपन ने देख लिया था। क्लियर है कि नहीं? तो 2023 का पेन नाबोकोव अवार्ड पेन अमेरिका ने दिया, न्यूयॉर्क में दिया, विनोद कुमार शुक्ल जी को दिया। ये अवार्ड हर दो साल में एक बार दिया जाता है। किनको दिया जाता है? उपन्यासकारों को दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय साहित्य जो है उसमें उपलब्धि के लिए दिया जाता है। ठीक है कि नहीं है? अब ध्यान रखना एक बात कि विनोद कुमार शुक्ल जी पहले भारतीय एशियाई मूल के लेखक हैं। समझ में आया? पहले भारतीय एशियाई मूल के लेखक हैं जिनको ये अवार्ड जो है वो मिला है। ठीक है कि नहीं है? अच्छा, अब ये जो अवार्ड मिला उसमें प्राइज मनी $50,000 था, जो लगभग 41 लाख रुपए के आसपास होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो सबसे पहले पूछेगा आपसे एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2023 पेन नाबोकोव अवार्ड जो है वो किसे मिला है? तो विनोद कुमार शुक्ल जी को। समझ में आया कि नहीं आया? अब विनोद कुमार शुक्ल जी बेसिकली इनकी रचनाएं भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो इनकी रचनाओं को जो मैंने आपको बताया था ना, कौन कौन सी, तो नौकर जो है उसकी कमीज, याद आया कि नहीं आया? उसके बाद खिलेगा तो देखेंगे, ही बस लिख देता हूँ, खिलेगा तो देखेंगे। उसके बाद दीवार पर खिड़की हुआ करती थी, याद आया? और लास्ट हरे घास की छप्पर वाली झोपड़ी और बोना पहाड़। तो ये नॉवेल्स आपको याद रखना है, पूछ देगा ये किसके। तो पहला क्वेश्चन पूछेगा 2023 पेन नाबोकोव अवार्ड किनको दिया गया है, तो विनोद कुमार शुक्ल जी को। उनकी रचनाओं को भी आपसे पूछ सकता है। क्लियर है कि नहीं है? अगला क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है कि पहले भारतीय एशियाई मूल के लेखक जिनको पेन नाबोकोव अवार्ड मिला है, तो उस कंडीशन में भी आंसर क्या आना चाहिए, विनोद कुमार शुक्ल। तो इस प्रकार से तीन क्वेश्चंस घुमा के आप लोगों को इसी न्यूज में से पूछ सकता है एमसीक्यू के फॉर्म में। ठीक है, चलिए आगे। 27th भोरमदेव महोत्सव। अब 19 और 20 मार्च 2023, 20 मार्च मतलब आज ही के दिन जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 20 मार्च, तो 19 और 20 मार्च 2023 के दिन जिला कबीरधाम में चौरा ग्राम पंचायत में आयोजन किया जा रहा है 27th भोरमदेव महोत्सव का। समझ में आया कि नहीं आया? अब ये जो भोरमदेव महोत्सव है, इसका आयोजन एक तो प्रशासन के द्वारा किया जाता है, और कौन रहता है, तो भोरमदेव सनातन तीर्थ ट्रस्ट। तो भोरमदेव सनातन तीर्थ ट्रस्ट और प्रशासन के द्वारा भोरमदेव महोत्सव जो है इसका आयोजन किया जाता है। इस साल 19 और 20 मार्च 2023 को आयोजन हो रहा है, चौरा ग्राम कबीरधाम में आयोजन हो रहा है। अच्छा, अब जबकि हम भोरमदेव के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो दो चार पॉइंट्स में बता देता हूँ कि भोरमदेव जो है, ये जो मंदिर है, असल में एक आदिवासी देवता भोरमदेव का मंदिर है। किनका मंदिर है भाई?
मेरे पता है तुम लोग के मन में प्रश्न आ गया होगा, लेकिन सुनो, यह जो मंदिर है आदिवासी देवता भोरम देव का मंदिर है, लेकिन जब आप गर्भगृह में जाएंगे, सैंक्टम सैंक्टोरम बोलते हैं इंग्लिश में, सैंक्टम सैंक्टोरम, इसमें जब जाएंगे तो काले पत्थर ब्लैक स्टोन से बना हुआ क्या है, तो शिवलिंग है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भोरम देव कोई और नहीं शिवजी ही है। तो वस्तुतः भोरम देव आदिवासी देवता भोरम देव का मंदिर है, लेकिन गर्भगृह में सैंक्टम सैंक्टोरम मतलब वह स्थान जहां पर मंदिर में मुख्य देवता जो होते हैं उनकी मूर्ति होती है, वहां पर जाने से काले पत्थर का एक शिवलिंग दिखता है, इसलिए हम क्या मान लेते हैं कि भोरम देव वस्तुतः शिवजी ही है। क्लियर है कि नहीं है? अब भोरम देव जो है छत्तीसगढ़ का क्या कहा जाता है, इस मंदिर का को कहा जाता है छत्तीसगढ़ का खजुराहो। इस मंदिर को कहा क्या कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है भोरम देव टेम्पल को। ठीक है, एक बात और ध्यान रखना, ये मंदिर बना कब, तो बेसिकली ये जो एरिया था कबीरधाम वाला, वहां पर एक ना रीजनल डायनेस्टी या क्षेत्रीय राजवंश जो है वो शासन किया करता था, जिसका नाम था क्या, फणिनाग वंश या फणिनाग डायनेस्टी। समझ में आया? तो ये जो फणिनाग डायनेस्टी थी ना, इसी में एक राजा थे जिनका नाम था क्या, गोपाल देव। अब ये जो राजा थे गोपाल देव, इन्हीं के शासन काल में ड्यूरिंग हिज रूल एक व्यक्ति थे जिनका नाम था लक्ष्मण देव राय। तो लक्ष्मण देव राय के द्वारा मतलब लक्ष्मण देव राय ने राजा गोपाल देव के शासन काल में ड्यूरिंग द रूल ऑफ गोपाल देव इस भोरम देव टेम्पल का निर्माण कराया था। समझ में आया? एक बात और बता देता हूं आपको, बहुत सारे लोग अभी भी यही मानते हैं कि गोपाल देव ने निर्माण कराया था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली ये जो मंदिर है ना भोरम देव, इसके अंदर से एक छोटी सी मूर्ति मिली, और ये जो मूर्ति है इसको कहते हैं दाढ़ी मूछ वाले योगी की प्रतिमा, आइडल ऑफ अ योगी विद मुस्टाच एंड बियर्ड। उसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है कि मंदिर का निर्माण लक्ष्मण देव राय ने कराया है, और शासन किन का था, तो शासन उस समय गोपाल देव का था, ड्यूरिंग द रूल ऑफ फणिनाग रूलर गोपाल देव। समझ में आया कि नहीं आया? ये क्वेश्चन ऑलरेडी प्री में आ चुका है, याद रखना ना कि भोरम देव मंदिर जो है उसके निर्माण के संबंध में। क्लियर है? तो ध्यान रखना, प्री में क्वेश्चन आया था और पीएससी का आंसर लक्ष्मण देव राय ही है। समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन पूछा था लक्ष्मण देव राय द्वारा किस मंदिर का निर्माण कराया गया है, सही आंसर पीएससी ने क्या लिया था, भोरम देव मंदिर। क्लियर है कि नहीं? ठीक है। अच्छा, भोरम देव के नाम से एक और चीज बहुत प्रसिद्ध है, तो इसी कबीरधाम जिले में आप जाएंगे ना तो भोरम देव सहकारी शक्कर कारखाना, तो रामेपुर जो है यहां पर आप जाएंगे तो रामेपुर में है भोरम देव कोऑपरेटिव शुगर मिल सहकारी शक्कर कारखाना। अभी हमारे पास कबीरधाम ही एक ऐसा जिला है जहां पर दो सहकारी शक्कर कारखाना है, एक भोरम देव रामेपुर, दूसरा सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना, गांव का नाम क्या है दूसरे वाले का, बीसेसरा, जो कि पंडरिया ब्लॉक में आता है, इसलिए डायरेक्ट पंडरिया लिखा रहता है। समझ में आया? तो भोरम देव सहकारी शक्कर कारखाना रामेपुर, दूसरा सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना बीसेसरा पंडरिया। डन। एक बात और ध्यान रखना, भोरम देव सहकारी शक्कर कारखाना जो है यहाँ पर इथेनॉल प्लांट, बायो इथेनॉल प्लांट बनाया जा रहा है, और ये जो बायो इथेनॉल प्लांट है इसमें से इथेनॉल जो निकलेगा उसका इस्तेमाल जो है हम लोग पावर फ्यूल बनाने के लिए कर सकेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? पावर फ्यूल बोले तो फ्यूल में क्या मिला दो, इथेनॉल। तो हमारे यहाँ जो पेट्रोल डीजल है वो तो महंगा है, इथेनॉल सस्ता होगा, तो दोनों को मिला देंगे तो फ्यूल का प्राइस कम भी हो जाएगा, पावर फ्यूल बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो इतनी सारी चीजों को आप याद रख लेना सामान्य ज्ञान के तौर पर। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले भोरम देव मंदिर जो है निर्माण किसने कराया, क्वेश्चन आ चुका है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, एक बात। दूसरी बात, भोरम देव सहकारी शक्कर कारखाना रामेपुर में है, याद रख लेना एक फैक्ट।
अगला फैक्ट याद रखना, सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना कहाँ पर है, बिसेसरा। फिर छत्तीसगढ़ का खजुराहो किसे कहा जाता है, तो भोरमदेव को कहा जाता है। फिर आपसे पूछ लेगा कि भोरमदेव महोत्सव जो है उसका आयोजन कब किया गया, तो 1920 मार्च 19th और 20th मार्च को किया गया। समझ में आया कौन से क्रम का था, तो 2727। क्लियर है कि नहीं है? इतने सारे फैक्ट्स को आप रट लेना एग्जामिनेशन के लिए एमसीक्यू के तौर पर, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। संत कवि श्री पवन दीवान के नाम से राज्य अलंकरण पुरस्कार। अब संत कवि पवन दीवान जो थे उनकी श्रद्धांजलि सभा और सम्मान समारोह जो है ये रायपुर में आयोजित किया गया, ठीक है। इसमें शामिल कौन हुए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, और उन्होंने क्या घोषणा की कि संत कवि श्री पवन दीवान जो है उन्हीं के नाम से कविता लेखन के क्षेत्र में एक राज्य अलंकरण पुरस्कार जो है उसे लाया जाएगा या दिया जाएगा, प्रदान किया जाएगा कविता लेखन के क्षेत्र में। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है भाई। अच्छा, अब ये जो कविता लेखन के क्षेत्र में पुरस्कार होगा श्री पवन दीवान के नाम से, वो अगला जो अलंकरण समारोह है वहां से प्रतिवर्ष मतलब हर साल जो है वो प्रदान किया जाएगा। क्लियर है? तो पहला ही क्वेश्चन बन सकता है कि पवन दीवान जो है इनके नाम से जो राज्य अलंकरण पुरस्कार है किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो कविता लेखन इस क्षेत्र में दिया जाता है। अब ये जो राज्य अलंकरण समारोह इस साल होने वाला है तब से स्टार्ट हो जाएगा, प्रतिवर्ष दिया जाएगा। अब ये जो श्रद्धांजलि सभा और सम्मान समारोह जिसमें मुख्यमंत्री जी गए थे उसमें हुआ क्या, कुछ अवार्ड्स दिए गए। कौन कौन से? तो पहला था विप्रकुल गौरव शिखर सम्मान 2023। तो विप्रकुल गौरव शिखर सम्मान 2023 किनको मिला है, तो पद्मश्री डॉक्टर सुरेन दुबे। तो बहुत फेमस कवि है छत्तीसगढ़ के, पता ही होगा आपको, पद्मश्री भी मिल चुका है। तो पद्मश्री डॉक्टर सुरेन दुबे को विप्रकुल गौरव शिखर सम्मान 2023 दिया गया। दूसरा, अगला था संत कवि पवन दीवान स्मृति अस्मिता सम्मान। संत कवि पवन दीवान स्मृति अस्मिता सम्मान ये दिया गया श्री अरुण कुमार निगम को और श्री काशीपुरी कुंदन को। समझ में आया कि नहीं आया? तो संत कवि पवन दीवान स्मृति अस्मिता सम्मान जो है श्री अरुण कुमार निगम और श्री काशीपुरी कुंदन को दिया गया। डन। अब पुरस्कार के रूप में 21,000 रुपए की क्या राशि दी गई, शॉल और श्रीफल मतलब नारियल देकर सम्मान किया गया। डन। अब यहां पर क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं भाई, तो सबसे पहले संत कवि श्री पवन दीवान जो है उनके नाम से किस क्षेत्र में राज्य अलंकरण जो है उस पुरस्कार का क्या किया गया, घोषणा किया गया, तो कविता लेखन पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है विप्रकुल गौरव शिखर सम्मान 2023 किनको मिला है, तो विप्रकुल गौरव शिखर सम्मान 2023 डॉक्टर सुरेन दुबे। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है संत कवि पवन दीवान स्मृति अस्मिता सम्मान किनको, तो श्री अरुण कुमार निगम और श्री काशीपुरी कुंदन। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये जो तीन क्वेश्चंस हैं वो इस स्लाइड से बन सकते हैं। अगला नेक्स्ट है विशेष संरक्षित जनजाति पर आधारित पुस्तिका यात्रा, इसका विमोचन किया गया, किनके द्वारा किया गया, तो मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के द्वारा किया गया, ठीक है, अच्छा बात है। ये लेखक कौन है, तो डॉक्टर सत्यजीत साहू जो है वो लेखक है। तो डॉक्टर सत्यजीत साहू क्या है, लेखक है। विमोचन कौन किए हैं भाई, इसको रिलीज कौन किए हैं कह लो, तो श्री भूपेश बघेल ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़। अच्छा, आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे राज्य में केंद्र सरकार के द्वारा 5 जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित की गई है और 2 जनजातियों को राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित की गई है। समझ में आया कि नहीं आया? इंग्लिश में क्या बोलते हैं इनको, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। असल में विशेष पिछड़ी जनजाति या पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स ऐसी जनजातियां हैं
जो या तो उनमें जो ग्रोथ रेट है जनसंख्या का, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, या तो वो शून्य हो या नेगेटिव हो, मतलब उनकी जनसंख्या बढ़ नहीं रही हो, या तो स्टेबल हो या उनकी जनसंख्या कम हो रही हो, जो आर्थिक रूप से इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो, कमजोर हो, शैक्षणिक दृष्टिकोण से एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी कैसे हो, कमजोर। तो आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर हो, शैक्षणिक स्थिति उनकी कैसी हो, अच्छी ना हो, ठीक है, ज्यादा पढ़े लिखे ना हो। इसके अलावा मैंने क्या बताया कि इनका जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, जनसंख्या वृद्धि दर, या तो शून्य हो या तो क्या हो, नेगेटिव हो। और ये जनजातियां कृषि पूर्व की तकनीकें, प्री एग्रीकल्चर टेक्निक्स का इस्तेमाल करती हूँ, मतलब कृषि कार्य होने से पूर्व जो आदि मानव जिस प्रकार की तकनीकों का इस्तेमाल किया करता था, एकदम घिसा पिटा पुराना वाला, उन सब तकनीकों का इस्तेमाल करती हो, मतलब एकदम ही पिछड़ी जनजाति हो, इन्हीं को पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स में शामिल किया गया है। समझ में आया? अब इसका ये मतलब नहीं कि इस जनजाति में जितने लोग हैं सब लोग ऐसे अच्छे होंगे, हो सकता है कि एक दो आदमी जो है वो क्या हो, अच्छे पढ़े लिखे हो, अच्छे अधिकारी हो, ऐसा भी हो सकता है, बट सामान्य तौर पर उस जनजाति के बारे में देखा जा रहा है कि पढ़े लिखे ना हो, आर्थिक रूप से कैसे हो, कमजोर हो और बहुत ज्यादा विकसित ना हो। फिर कृषि पूर्व की तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, बोलने का क्या मतलब हुआ, बहुत ज्यादा विकास उनमें ना हुआ हो। समझ में आया? ज्यादा टेक्नोलॉजी यूज ना करते हो, ऐसा मत सोचना कि सर वो लोग तो मोबाइल रखे थे तो कैसे कृषि पूर्व की तकनीक हो गई करके। तो एज अ होल देखा जाता है, एक व्यक्ति के लिए नहीं देखा जाता। अच्छा, अब वे पांच जनजातियां कौन सी हैं जिनको केंद्र सरकार के द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति की कैटेगरी में रखा गया है? इसके लिए मैं एक ड्राइंग बना देता हूं, आसानी से याद रखना। तो ये एक जन आदमी है, ये क्या किया है, अपने कमर में एक बैग रखा है। तो कमर से याद रखना, कमार, बैग से याद रखना, क्या बैगा। समझ में आया कि नहीं आया? ये किधर जा रहा है, तो अबूझमाड़ की पहाड़ी। समझ में आया? तो अबूझ से अबूझ माड़िया और पहाड़ी से पहाड़ी कमर में बैग रखा है, तो कमर से कमार, बैग से बैगा। देख लो, ये आदमी है, अपने कमर में ये बैग लटकाया है, नहीं तो ये बैग है इसका डब्बा जैसे, तो ये बैग लटकाया है, कहाँ लटकाया है, दे देखो उसका रस्सी है, अपने कन्हियम लटकाया है, नहीं कमर में, तो कमर में क्या है, बैग लटकाया है आदमी, तो कमर से कमार, बैग से बैगा। किस ओर जा रहा है, तो अबूझमाड़ की पहाड़ी की ओर, तो अबूझमाड़ से अबूझमाड़िया, पहाड़ी से पहाड़ी कोरवा। मैंने कहा था किस ओर जा रहा है, तो ओर से याद रखना बिरहोर। तो इस ड्राइंग को देख के क्या याद रख सकते हो कि एक आदमी है, कमर में बैग लटका के किस ओर जा रहा है, अबूझमाड़ की पहाड़ी की ओर। तो कमर से कमार, बैग से बैगा, किस ओर से बिरहोर, अबूझमाड़ की पहाड़ी, अबूझमाड़िया, पहाड़ी कोरवा। ये सब सेंटर केंद्र के द्वारा घोषित है, और दो जो है वो राज्य के द्वारा, कौन से, तो एक पंडो और दूसरा क्या है, भुंजिया। भुंजिया के बारे में एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, याद रखना, सीजीपीएससी का फेवरेट है ये भुंजिया जनजाति। क्या क्वेश्चन आता है भुंजिया के बारे में, कि लाल बंगला जो है किस जनजाति से संबंधित है? तो लाल बंगला बेसिकली एक ऐसा किचन है, रंधनी खोली है, जो कि घर से पृथक होता है, सेपरेट होता है, रेड कलर से पोता गया होता है उसे, और किस जनजाति का है, तो भुंजिया ट्राइब का है, भुंजिया जनजाति का। समझ में आ गया होगा आई गेस। तो ये जो विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं छत्तीसगढ़ की, उन्हीं के ऊपर आधारित है ये बुक जात्रा। रिलीज किए हैं श्री भूपेश बघेल जी, लिखे कौन है, डॉक्टर सत्यजीत साहू। क्लियर हो गई ये बात? अब इस बुक में आप देखेंगे ना, तो ये जो विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं, इनका संकेंद्रण, इनका कॉन्सेंट्रेशन कहाँ कहाँ पर है। अब जैसे कमार की बात कर लोगे, भुंजिया की बात कर लोगे, तो कमार लोग आपको कहाँ दिख जाएंगे, तो धमतरी में दिख जाएंगे, गरियाबंद में दिख जाएंगे, वैसे ही भुंजिया धमतरी और गरियाबंद में दिख जाएंगे। एक बार तो क्वेश्चन ऐसा भी आया था कि रायपुर संभाग में मिलने वाली विशेष पिछड़ी जनजाति निम्न में से कौन सी है, रायपुर संभाग में, आंसर क्या लिया था, कमार। तो यही जो संकेंद्रण है, इनके बारे में बताया गया है, इनकी जीवन शैली,
जीवन शैली में क्या क्या आ जाएगा, तो इनकी क्या धार्मिक मान्यताएं हैं, इनका क्या कल्चर है, कौन से त्योहार मनाते हैं, कैसा पहनावा है, क्या रहन सहन है, खान पान है, सभी चीज जो है इनकी जीवन शैली में आ जाएगी। क्लियर है? तो इनकी जीवन शैली, कहाँ पर रहते हैं, कैसा खाना खाते हैं, क्या करते हैं, किस प्रकार के त्योहार मनाते हैं, कौन से नृत्य करते हैं, कौन सा गीत गाते हैं, कैसा पहनावा होता है, इन सभी चीजों का डिटेल है ये बुक, जिसका नाम है क्या, जातरा। क्वेश्चंस की बात करूं तो सबसे पहले पूछ सकता है कि जातरा जो बुक है वो किस पर आधारित है, तो याद रखना छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजाति जो है उन पर आधारित है। पूछ सकता है इसके लेखक कौन है, तो डॉक्टर सत्यजीत साहू। ठीक है, अगला क्या फैक्ट याद रखना, केंद्र ने कितनी जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित की है छत्तीसगढ़ में, 5। राज्य ने कितनी घोषित की है, तो 2 को घोषित की है। कौन कौन है, पंडो, भुंजिया। भुंजिया से क्वेश्चन लाल बंगला कम से कम 3 बार तो देख ही चुका हूं मैं, अभी पिछले 2-3 सालों में 3 बार क्वेश्चन अलग अलग एग्जामिनेशन में आ चुका है, 2 बार तो प्रीच में आ चुका है। 5 में से आपको याद रखना है कमार, बैगा, भुजमाड़िया, पहाड़ी, कोरवा और बिरहोर, तो ये सीधा सीधा जो है आपको एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। डन। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय राजवंश, जिसको इंग्लिश में हम लोग रीजनल डायनेस्टीज बोलते हैं, इन पर एक राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी जो है, कह लो एक रिसर्च कॉन्फ्रेंस जो है नेशनल लेवल का, उसका शुभारंभ हुआ। कब हुआ था, तो 3 मार्च 2023 को हुआ, और कितने दिन तक चला था, 3 दिवस तक ये चला था। कहां हुआ है, तो महंत घासीदास संग्रहालय रायपुर। कुछ लोग इसे गुरु घासीदास संग्रहालय बोल देते हैं, नहीं है, महंत घासीदास म्यूजियम है। महंत घासीदास याद रखना, आप नागदौ और यासत के राजा थे, उनके नाम से ये संग्रहालय है, महंत घासीदास संग्रहालय। समझ में आया कि नहीं आया, महंत घासीदास म्यूजियम रायपुर में हुआ है ये शोध संगोष्ठी, और छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय राजवंशों के ऊपर 3 मार्च से चालू हुआ और 3 दिन तक चला। समझ में आया कि नहीं आया, 3 से चालू हुआ, कितने दिन तक चला, 3 दिन तक। क्लियर है? ठीक है, अब ये जो संगोष्ठी थी इसमें 12 रिसर्च पेपर्स जो है वो पढ़े गए, शोध पत्र रिसर्च पेपर्स पढ़े गए, और इसमें कितने लेक्चर्स हुए, तो 6 लेक्चर्स हुए। ठीक है, तो 12 शोध पत्र पढ़े गए, कितने रिसर्च लेक्चर्स हुए, 6 हुए। ठीक है भाई, अब इस अवसर पर जितने अतिथि आए थे उनके द्वारा क्या किया गया, तो विभाग की ओर से प्रकाशित जो शोध संक्षेपिका, समझ में आया, और नव उत्खनन स्थल रीवा के उत्खनन प्रतिवेदन। अब उत्खनन प्रतिवेदन को क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे एक्सकेवेशन रिपोर्ट, इसको क्या किया गया, प्रस्तुत किया गया। ठीक है, तो इस अवसर पर अतिथि जो उन्होंने उन्हें क्या किया, तो एक तो शोध संक्षेपिका, ठीक है, रिसर्च समरी कहते हैं इसे, रिसर्च समरी इसको, और जो नया उत्खनन साइट है रीवा, इसका जो उत्खनन प्रतिवेदन एक्सकेवेशन रिपोर्ट है उसको दिया गया। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चंस जो है आप रीवा के बारे में देख लीजिए, तो ध्यान रखना ये जो रीवा है ये कहाँ है, तो रायपुर जिले में है, एक नया पुरातात्विक स्थल है, आर्कियोलॉजिकल साइट है, ये तो समझ गए आप, अच्छी बात है। इससे जो क्वेश्चन है याद रखना, तो जब छत्तीसगढ़ का आर्ट एंड कल्चर पढ़ोगे ना, तो आप एक गीत पढ़ोगे जिसका नाम है क्या, चंदैनी। अब ये जो चंदैनी है ये लोरिक और चंदा, इन दोनों की प्रेम कहानी कोर्टशिप पर आधारित है, लोरिक और चंदा के। इसमें ये जो हीरो है लोरिक, कहा गया है कि लोरिक जो है वो कहां से था, रीवा से, और चंदा कहां की थी, तो चंदा थी आरंग की। समझ में आया, लोरिक कहां का, रीवा का, रायपुर के पास ही है। समझ में आया कि नहीं आया, या रायपुर डिस्ट्रिक्ट में ही है, एकदम पास तो नहीं कह सकते, रायपुर डिस्ट्रिक्ट में ही है। क्लियर है, तो रीवा पुरातात्विक स्थल रायपुर डिस्ट्रिक्ट में, चंदैनी गीत में जो लोरिक और चंदा की प्रेम कहानी कोर्टशिप पर आधारित है, लोरिक को रीवा का कहा गया है, चंदा को कहा गया है कहां की। क्लियर है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, चंदैनी गीत में लोरिक जो है उसका संबंध किस स्थान से, आंसर पीएससी ले चुका है क्या, रीवा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर क्वेश्चंस को देख ले तो पूछ सकता है कि क्षेत्रीय राजवंश पर जो शोध संगोष्ठी थी वो कहां, तो सबसे पहले याद रखना
रायपुर में महंत घासीदास संग्रहालय में, ठीक है कि नहीं है? कब हुई तो ये भी ध्यान रख लेना, 3 मार्च 2023 को शुभारंभ हुआ, क्लियर है? उसके बाद रिंगवार को याद रखना, चंदनी गीत में जो लोरिक है उससे संबंधित है ये रिंगवार। तो इतने 3 क्वेश्चंस को आप इसमें से क्या कर सकते हैं, रेडी कर सकते हैं। फागुन मड़ई, तो दंतेवाड़ा में फागुन मास का जो शुक्ल पक्ष होता है उसके सप्तमी के दिन से ये फागुन मड़ई चालू होता है, बहुत ही फेमस मड़ई है ये। बहुत जगह देखने पर अलग अलग इसमें चीजें दिखती हैं, कहीं लिखा होता है कि 9 दिन तक चलता है, कहीं लिखा होता है कि 10 दिन तक चलता है ये करके, तो उसमें नहीं पढ़ते हैं। याद रखना कि फागुन मास में शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष मतलब कौन सा पक्ष है, तो ध्यान रखना हिंदी महीना जो है ना उसे 2 पक्षों में बांटा जाता है। पहला जो 15 दिन होता है इसे कहा जाता है कृष्ण पक्ष, दूसरा जो होता है इसे कहा जाता है शुक्ल पक्ष। समझ में आया? कृष्ण पक्ष, तो याद रखना ये ऐसा समय होगा जब मून 100% से 0% तक जाएगा, मतलब धीरे धीरे चंद्रमा का आकार छोटा होगा और बीच में क्या आ जाएगा, अमावस्या। समझ में आया? शुक्ल पक्ष, धीरे धीरे चंद्रमा का आकार क्या होगा, बढ़ेगा और चंद्रमा एकदम 0 से 100% पूरा बड़ा हो जाएगा अपने शुक्ल पक्ष में। तो शुक्ल पक्ष के अंत में क्या आने वाला है, पूर्णिमा। तो कृष्ण पक्ष के अंत में क्या आता है, अमावस्या। शुक्ल पक्ष के अंत में क्या आता है, पूर्णिमा। फिर अगला महीना शुरुआत यहां से वापस, अब पूर्णिमा आ गया मतलब पूरा चंद्रमा 100%, तो 100% मतलब अब फिर धीरे धीरे छोटा होगा, तो कौन सा पक्ष चल रहा है, कृष्ण। फिर धीरे धीरे बड़ा होगा शुक्ल, तो कृष्ण शुक्ल ये जो चक्र है चलता रहता है। तो शुक्ल पक्ष के सप्तमी से चालू होता है फागुन मास में फागुन मड़ई मेला दंतेवाड़ा जिले में। एक बात और ध्यान रखना, इसको ना मेंस में पीएससी पूछ चुका है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष को हिंदी में नहीं छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं, तो कृष्ण पक्ष को क्या कहते हैं, अंधियारी पाक, क्योंकि धीरे धीरे चंद्रमा का आकार छोटा होता है, रात जो है वो काली काली होने लगती है और उसके बाद शुक्ल पक्ष उजियारी पाक। इसमें आपको पता होना चाहिए कि चंद्रमा का आकार जैसे जैसे बढ़ता है रात को रोशनी वैसी वैसी बढ़ती है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये क्वेश्चन मेंस में 30 वर्ड्स में पूछ चुका है लैंग्वेज वाले पेपर में। समझ में आया कि नहीं आया कि कृष्ण पक्ष को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं? तो फागुन मड़ई के दौरान 9 मार्च 2023 दिन था, हमारे मुख्यमंत्री जी इस मड़ई में पहुंचे और लगभग 851 देवी देवता जो आए थे न सिर्फ छत्तीसगढ़ के अलग अलग स्थानों से, बस्तर वाले एरिया से ही, बल्कि कहां से, उड़ीसा से, तेलंगाना से। तो छत्तीसगढ़ के बस्तर के दंतेवाड़ा क्षेत्र से आए देवी देवता प्लस उड़ीसा और तेलंगाना से आए हुए 851 देवी देवता के विदाई समारोह में हमारे मुख्यमंत्री जी शामिल हुए। तो 851 देवी देवता दंतेवाड़ा एरिया से, उड़ीसा और तेलंगाना के एरिया से आकर शामिल हुए थे और इसमें मुख्यमंत्री जी ने कुछ घोषणाएं की, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, तो गिदम में बनने वाला जो मेडिकल कॉलेज है उसका नामकरण होगा मां दंतेश्वरी के नाम से। समझ में आया कि नहीं आया? तो गिदम जो है उसमें बनने वाला जो मेडिकल कॉलेज है उसका नामकरण मां दंतेश्वरी के नाम से किया जाएगा। इसके अलावा क्या कहा गया है कि शंकिनी डंकिनी नदी का जो रिवर फ्रंट है उसका निर्माण होगा, तो रिवर फ्रंट बनाया जाएगा शंकिनी और डंकिनी नदी के तट पर, और गिदम जो है वो एक नया राजस्व अनुभाग रेवेन्यू सब डिविजन बनेगा। क्लियर है? एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो गिदम का जो मेडिकल कॉलेज है उसका नामकरण किसके नाम से, तो मां दंतेश्वरी के नाम से। तो मेंस और प्री के हिसाब से क्वेश्चंस को देखोगे तो एक तो बन सकता है नामकरण वाला क्वेश्चन, क्लियर है कि नहीं है? दूसरा फागुन मड़ई जो है दंतेवाड़ा में इसकी शुरुआत पूछ सकता है, तो फागुन मास में शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन, इसके बाद कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष 30-30 वर्ड्स में मेंस में ये पूछ सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? आर्ट एंड कल्चर में ना ये मड़ई बहुत फेमस है, 30 वर्ड्स और 60 वर्ड्स में इसको रेडी कर लेना। ये फागुन मड़ई जो है दंतेवाड़ा का उसके ऊपर क्या करिए, एक तो संक्षिप्त लेख शॉर्ट नोट लिखिए, ठीक है? उसमें आप बताइएगा कब से शुरू होता है, कहाँ होता है, उड़ीसा तेलंगाना और दंतेवाड़ा क्षेत्र से देवी देवता वहां पर आते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? रोज
शाम को जो है इनकी शोभा यात्रा निकाली जाती है और आखिरी दिन जो है इनके सम्मान में मड़ई का आयोजन किया जाता है या एक मेले का आयोजन किया जाता है। इस प्रकार से आप आंसर को लिख सकते हैं। ठीक, अगला, ग्राम सोंडरा में मिली पांडुवंशी काल की बुद्ध प्रतिमा। पांडुवंश, छत्तीसगढ़ में अगर पांडुवंश का इतिहास देखोगे ना, लगभग 6th से 7th सेंचुरी, 6th से 7th शताब्दी जो है, इस बीच में हमें अभी तक पांडुवंश का इतिहास मिला है। कहाँ? छत्तीसगढ़ में। और ये वही पांडुवंश है जिनकी राजधानी क्या हुआ करती थी? सिरपुर। और ये वही पांडुवंश है जिसमें फेमस राजा कौन थे? महाशिवगुप्त बानर्जुन। समझ में आया कि नहीं आया? अब इसी काल में मतलब पांडुवंशी काल की ही प्राचीन बुद्ध की प्रतिमा जो है ये रायपुर के सोनरा ग्राम से प्राप्त हुई है। तो नेशनल हाईवे नंबर 30 लेके जब आप धरसीवा से आगे रायपुर की तरफ आएंगे, ये धरसीवा है और ये रायपुर है, तो नेशनल हाईवे 30 लेके धरसीवा से रायपुर की तरफ आएंगे तो धरसीवा से ये जो हाईवे है, इस हाईवे के पश्चिम या वेस्ट की तरफ आपको ये ग्राम मिलेगा जिसका नाम है क्या? सोनरा। और इसी सोनरा ग्राम से प्राचीन प्रतिमा जो है वो बुद्ध की प्राप्त हुई है पांडुवंश के काल की। वैसे भी अगर छत्तीसगढ़ के इतिहास को आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपने पढ़ा होगा महाशिवगुप्त बालार्जुन का काल कैसा था, तो ये छत्तीसगढ़ का स्वर्ण काल था, गोल्डन एज था। इनके अंदर सभी धर्म जो है वो प्रफुल्लित हो रहे थे, इनको एकदम रिलीजियस टॉलरेंस था, खुद शैव धर्म को मानते थे, लेकिन लक्ष्मण मंदिर जो भगवान विष्णु का मंदिर है उसको कंप्लीट कराया। इसके अलावा इस समय लगभग 10,000 बौद्ध भिक्षु जो है वो कहाँ रहा करते थे? सिरपुर में रहा करते थे। ऐसा वेन सांग ने अपनी बुक ट्रैवल अकाउंट याद है ना, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था सीयूकी, उसमें लिखा। और इसी सीयूकी में वेन सांग ने छत्तीसगढ़ को क्या लिखा था? कियास्लो। तो वेन सांग बताते हैं कि ये जो महाशिवगुप्त बालार्जुन है इनके काल में लगभग 10,000 बौद्ध भिक्षु सिरपुर में रहते थे और सिरपुर में लगभग 100 बौद्ध विहार थे। मतलब बौद्ध धर्म जो है वो भी कह सकते हैं अपने चरम पर रहा होगा महाशिवगुप्त बालार्जुन के काल में। और इसी काल की बुद्ध की प्रतिमा अगर मिल जाए तो कोई बहुत विशेष हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि ऐसे, अरे कैसे भगवान बुद्ध की प्रतिमा मिल गई। क्यों? क्योंकि पता ही है पांडुवंश के काल में महाशिवगुप्त बालार्जुन के समय वैसे ही बौद्ध धर्म जो है बहुत ज्यादा प्रचलित था। 10,000 बौद्ध भिक्षु उस समय पर रहना कितनी बड़ी बात होती है समझना। 10,000 बौद्ध भिक्षु रहते थे कहां पर? सिरपुर में। 100 बौद्ध विहार थे। बौद्ध विहार ऐसी जगह होती है जहां पर बौद्ध भिक्षु रहें, बुद्धिस्ट मॉन्क्स रहें, उसी को बौद्ध विहार कहा जाता है। तो 100 विहार थे, 10,000 बौद्ध भिक्षु रहते थे, ऐसा मैं नहीं कहता, कौन कहते हैं? तो वेन सांग, जिनको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, उनका असली नाम है जुआन जांग। तो जुआन जांग जो है ये बताते हैं किसमें, तो अपनी बुक सीयूकी में, जिसमें उन्होंने छत्तीसगढ़ को क्या कहा है। अब कहां चाइनीज आदमी थे, कहां कोसल ओसल कह पाते, कि आस्लो बोल दिए। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पूछ सकता है कि भैया बुद्ध की प्रतिमा जो है पांडुवंश काल की ये कहां से मिली है, तो ग्राम सोनरा कहां है, तो रायपुर जिला। ठीक है कि नहीं है? इसके अलावा और क्या क्या देख लिया, तो एमसीक्यू के फॉर्म में कि वेन सांग ने कौन सी बुक लिखी, सीयूकी, छत्तीसगढ़ को क्या कहा, कियास्लो कहा, समझ में आया कि नहीं आया, महाशिवगुप्त बालार्जुन इनका कैपिटल क्या था, सिरपुर, और क्या बताया मैंने इनके बारे में, इन्हीं के शासनकाल को क्या कहा गया है, गोल्डन एज कहा गया छत्तीसगढ़ का। क्लियर है कि नहीं है? इतने सारे क्वेश्चंस को क्या करना, आप रेडी कर लेना। चलिए तो आज के लास्ट टॉपिक पर आ जाते हैं। छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग राष्ट्रीय स्तर पर हुआ पुरस्कृत। तो ध्यान रखना, राज्य में समग्र शिक्षा जो है वह संचालित कर रहा है अंगनामा शिक्षा कार्यक्रम। कार्यक्रम का नाम क्या है? अंगनामा शिक्षा। और इसी के लिए या इसी कार्यक्रम के वर्ष 2022 में जो संचालन हुआ उसी के लिए स्कॉच अवार्ड 2022 इस कार्यक्रम को मिला है। समझ में आया कि नहीं आया? तो हमारा जो
स्कूल शिक्षा विभाग है, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन है, उसको सम्मान मिला। प्रोग्राम क्या था? अंगनामा शिक्षा। इसके 2022 में जो एग्जीक्यूशन हुआ उसके लिए स्कॉच अवार्ड 2022 इसको मिला। ठीक, अब ये जो स्कॉच अवार्ड है ये एक स्वतंत्र संगठन है और इसके द्वारा या एक स्वतंत्र संगठन के द्वारा देश में प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है स्कॉच अवार्ड। समझ में आया? तो स्कॉच अवार्ड स्वतंत्र संगठन के द्वारा प्रदान किया जाने वाला देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो कि किसको किसको मिल सकता है, तो लोगों को भी मिल सकता है, परियोजनाओं को मतलब प्रोजेक्ट्स को भी मिल सकता है, और ऑर्गेनाइजेशंस या संस्थानों को भी दिया जा सकता है। तो स्कॉच अवार्ड हमारे देश का स्वतंत्र संगठन द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, लोगों को मिल सकता है, प्रोजेक्ट्स को मिल सकता है, संस्थानों को भी मिल सकता है। क्यों दिया जाता है? तो भारत को बेहतर राष्ट्र बनाने के लिए अगर कोई व्यक्ति, कोई परियोजना या कोई संस्थान प्रयास कर रही है तो उसे ही स्कॉच अवार्ड दिया जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? 2003 में इसे क्या किया गया था? स्थापित किया गया था। तो भारत को बेहतर राष्ट्र बनाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने वाले लोगों को, परियोजनाओं को, संस्थानों को स्कॉच अवार्ड दिया जाता है, जो कि हमारे देश में दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है स्वतंत्र संगठन द्वारा, सरकार द्वारा नहीं, स्वतंत्र संगठन के द्वारा। क्लियर है ये बात? ठीक है भाई। असल में हुआ क्या था, कोरोना काल में शिक्षा से संबंधित बहुत सारे नवाचार जो है हमारे राज्य में आ रहे थे। इसी क्रम में हमारे यहाँ की जो महिला शिक्षिका थी, जो फीमेल टीचर्स थी, इन्होंने क्या किया, घर में माताओं को ट्रेन करना या प्रशिक्षित करना शुरू किया। तो घर में माताओं को ट्रेन किया, जिसके माध्यम से माताओं के जो बच्चे थे उनकी पढ़ाई घर में ही जारी रह पाई, और यही जो है अंगनामा शिक्षा कार्यक्रम था। तो अंगनामा शिक्षा कार्यक्रम क्या था? अंगनामा शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत महिला शिक्षकों के द्वारा घर में माताओं को ट्रेन किया गया, जिससे कि घर में बच्चों की पढ़ाई कोरोना काल में भी जारी रह पाई। यही था अंगनामा शिक्षा कार्यक्रम। समझ में आया कि नहीं आया? तो महिला शिक्षकों ने माताओं को, मदर्स को ट्रेन कर दिया, मदर्स ने क्या किया तो बच्चों को एजुकेट कर दिया, पढ़ा दिया कोरोना के समय में। तो ऐसे तीन पॉइंट में याद इजीली रख सकते हो अंगनामा शिक्षा जो है उस कार्यक्रम को आप लोग। क्लियर है कि नहीं? तो ये जो कार्यक्रम है इस साल इसका क्या होगा, तीसरा वर्ष होगा, और प्रतिवर्ष इसमें क्या किया जा रहा है, तो महिला नेतृत्व के द्वारा कुछ नया डिजाइन शामिल किया जा रहा है। तो बहुत अच्छी बात है ये। तो ठीक है, अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको पूछ लेगा कि स्कॉच अवार्ड जो है, समझ में आया कि नहीं आया, तो ये निम्न में से किस कार्यक्रम को मिला है? अंगनामा शिक्षा रहेगा, तो स्कॉच सिल्वर अवार्ड है ये, लगा दीजिएगा स्कॉच सिल्वर अवार्ड। समझ में आया कि नहीं आया? किस विभाग को मिला है, तो स्कूल शिक्षा विभाग। कार्यक्रम अंगनामा शिक्षा विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन। समझ में आया कि नहीं आया? इसके बाद ये जो टोटल अंगनामा शिक्षा कार्यक्रम है इसको आप 30 वर्ड्स में मेंस के लिए भी रेडी कर लेना। ठीक है, तो आपको इजीली मेंस में 30 वर्ड्स में क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा अगर आप ऐसे लिख रहे हो ना, तो ऐसे में भी ये टॉपिक आपको काम में आ सकता है। अगर शिक्षा में नवाचार से संबंधित कोई ऐसे आ रहा है, एजुकेशन में इनोवेशन से संबंधित, तो भी इस पॉइंट को आप लोग क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। चलिए, तो इस वीडियो को अपन कुछ क्वेश्चन के साथ एंड करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संत श्री पवन दीवान के नाम से राज्य अलंकरण किस क्षेत्र में दिए जाने की घोषणा की गई है? ए बी सी डी ऑप्शन आपके पास है। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस साहित्यकार को पेन अमेरिका द्वारा पेन नाबोकोव पुरस्कार 2023 से सम्मानित करने की घोषणा की गई? फिर से ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। अगला क्वेश्चन, ग्राम सोनरा में मिली बुद्ध की प्रतिमा किस राजवंश से संबंधित है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विशेष संरक्षित जनजातियों पर आधारित पुस्तिका यात्रा जो है उसके लेखक कौन है? और फिफ्थ क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय राजवंश पर राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी का शुभारंभ कहाँ किया गया है? क्लियर है? तो ये सारी चीजें, ये जो क्वेश्चंस हैं आपके सामने आ चुके हैं। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि इन सभी क्वेश्चंस का क्या करिए, तो आप कमेंट बॉक्स पे जाकर आंसर दीजिए। चलिए, तो 1 से लेकर 15 मार्च तक के करंट अफेयर्स हो चुके हैं। 15 से लेकर 31 मार्च तक के करंट अफेयर्स का एक वीडियो बनाकर मैं आप सभी के सामने फिर से
हाजिर हो जाऊंगा। ठीक है, अभी करंट अफेयर्स के वीडियो जो है आपको थोड़े से इरेगुलर मिल रहे हैं, उसके लिए समझ आता हूँ। बहुत जल्द इसका रेगुलर शेड्यूल जो है मैं वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा और उसका पालन करूंगा। चलिए, तो आप सभी से मिलेंगे मेरे अगले वीडियो में, तब तक ले थैंक यू एंड टेक केयर।